हाँ, जल्दी बयान कर, जल्दी छोड़ दूंगा तुझे, अब नहीं छोड़ता तेरे, हाँ हाँ सब काट के ले लूंगा, बाकी टाइम देने का अब। हाँ कहाँ से पकड़ दी तुझे, तुझे शमशान से उठाए, कब्रस्तान से उठाए? हाँ जोर से पूरी ताकत लगा नाला। नहीं बाबा, अरे बाप रे, अरे बाप छोड़ दे तूने तेरे, और जोर से। रे, अरे बुआ का बे, अरे अरे भूत मत पा बे, मत पा बे, भूत मत पा बे। हाँ हाँ, जकड़ो उसको और तेजी के साथ। क्या बोलता, जकड़ लो उसको और तेजी के साथ जकड़ो उसको, पहले पूरी ताकत लगा तेरी, मुझे ताकत देखना, इसकी तरह जलाओ, इसके अंदर आग लगाओ तेज के साथ में नाला के। पेशेंट अरे बात बात नहीं बोलता जब बे। आता सो, ये बाहर कैमरा इधर मारो, ये बाहर ही निकाल के आ जाते जाना, लोगों कान में के बाल या चूड़िया, हाथ में के रिंगा बिंगा सब बाहर फेंक के आते जाना, अंदर आ रहे सो। और दूसरी एक बात, पानी की बॉटल अपनी अपनी लेके आना, ये इसी स्प्रे की। और अपने कर्मचारी जो काम करने वाले हैं, बच्चे, उन सबको बोल रहे कि ये खोलना नहीं, उनके हाथ से उनके उनके सील पैक बटलों को कैसा लगाना, कैसा सिखाना, उनको सिखाते जाना, इस तरह वो सब अपन उसको करते जाना, नहीं अपना काम नहीं है वो, उनका काम रहता। हाँ झगड़ा उसको तेजी से नाला को। आग लगाओ इसके अंदर तेजी के साथ में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, أعوذ بالله من القرآن طرف لينا صنع الخلق المساقلين ناشئة الليل هي أرشاد وطن يقوم قد إن أهلكم وحال صباحا تبير وأذرب التكبير رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون فاهجرهم وضربهم والمكذبين أذل نعمة وأذل قليلا. आग लगाओ उसके अंदर तेज के साथ में। बोलता इसको नहीं जाता बैंक। बोलना।
निकलना तो तेरे बाप को पड़ेगा, तुम बहुत जकड़ो उसको अंदर से, आग लगा दे उसके अंदर से। मैं लेके जाता बे उसको, मैं कमजोर करके ले जा बे, मैं नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, छोड़ नहीं जकड़ो उसके अंदर से, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता बे। कॉलर के पास में ये ऐसा ही लगाएंगे तो पीछे से ये ऐसा ही लगा देना, समझ गए? मेरे को कॉलर को लगाओ, अरे ये बता रहे उसको पीछे से लोग चिमक, कपड़े के पीछे से लोग चिमक लगाने का, सामने से माइक, कौन से दुनिया में जी रहे? अरे बरोबर लगाया तो ओढ़नी डाल सिर पे, झगड़ा उसको और तेरे साथ में ना बोलता बे, उसके अंदर आग लगाओ तेज के साथ में, ना बोलता बे मार देता बे उसको, मार देता मैं बहुत साल से आया लगा जोर से आवाज लगा, मारो उसको जरा ठीक, मार मार के झगड़ो उसको, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ के मार दे रहा उसको, ठेसा बना उसका। मारो उसको और तेज के साथ में, اللهم فرعاد الصنوات والله لمن قدر شهادة لا بلتا بي اللهم إني اللهم إني أحاد إليك في حال وعلى إلا أنت وحدك لا شريك لك ربنا محمد عبد ورب فلا تكلني الله نفسي تغرب وإني عندك أحداً طفل الله يوم الضغط لا تخلف المياه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وحبيد من برحمتك المرحبين चला जल्दी बयान कर, ताकत लगा पहले मेरे को, तेरी ताकत देखना कितने दो जोर से, वो बुरा कर दिए, इसको मारने को भेजे थे तुझे, क्या बोले थे अवर्त कुमार दे नाम के, नसरीन बेगम को कब मारो बोले थे अम्मास में पुन्नम में, ना बोलता, ना बोलता क्या, जोर से बोल, और तुझे कहां से पकड़े थे, शमशान से कब्रस्तान से, कहां से पकड़े थे, जोर से बोल, पानी पिला रहे उसको पेशेंट को जल्दी ग्लास में डाल के, क्या मारो कहा उनको बता, जोर से, हिम्मत तेरी पड़ी
कब मारने वाला था? कब मारो बोले नसरी? जल्दी बयान कर, जल्दी छोड़ दो तुझे, अब नहीं छोड़ दो तेरे हाथ ना कुछ काट के ले लूँगा बाकी टांग देने का। कहाँ से पकड़ दे तुझे? तुझे शमशान से उठा, कब्रिस्तान से उठा? किसी के पास बोल दो बेटा, सवाल का जवाब देता नहीं देता? जिसने भी उसके आंग में डाला अभी मैंने उसका नाम नहीं पूछा, नाम बोलू मत, नाम बोलो जबान कतर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना बता वो इसके मायके की तरफ के ससुराल की तरफ के किसने करा जादू? बाहर के बच्चों के ससुराल की तरफ के है किसके? मैं नहीं बो बा, नहीं बो बा, नहीं बो बा, नहीं बो बा, बो वे नहीं बोल, नहीं बोल, नहीं बो, नहीं। क्या नाम है इनका? नसीम बेगम पूछा क्या लिख के रखी है? माँ 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 बाप नहीं नहीं आता, मैं तेरे पास नहीं आता, मो मारा नहीं आता, वो मारा मो मारा ना, अरे बाल बोलता नहीं बोलता, पूरा जला देता हूँ, पूरा जला देता हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आसे 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 मेरे बाप देखो, मैं किसी को भी नहीं बोला, आज तक तुम किसी नहीं बोला, किसको भी नहीं बोला, किसके भी सामने हाजिर हुआ मगर बोला नहीं, आज तक नहीं बोला, यहाँ बोलना तो पड़ता है यहाँ पे, चले चलो रखो, मैं बोला बोल, किसको भी बोला नहीं, हाँ उनको खिलाए दवा, दवा पेट में डाले, कहीं डाले कहीं में खिलाए थे, क्या चीज थी वो? जूस, जूस में पिलाए, कहीं का जूस था? जूस, जूस में कहीं का? टमाटर का, गन्ने का शरबत, कहीं का जूस था वो? थम्सअप, थम्सअप में, जोर से बोल, थम्सअप में पिलाए, थम्सअप में, कहीं में पिलाए थे? थम्सअप में, दवा, थम्सअप में, कितना टाइम हो पिला के? दो साल हो रहा, दो साल हो गए, पिलाने का मकसद क्या था? मार देना, सड़ा के मारना, जला के मारना, बीमारी लगाना, सता सता के मारना, लास्ट में मारने का था? बीमारी लगा के मारने का था, गला गला के मार देने वाला, बीमारी लगा के, आओ 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 आओ, उसके पेट में दर्द है, और क्या क्या तकलीफ दर्द था अंदर बैठ के? मैं घबराहट कर रहा, रात को सोने नहीं देता, और उसके आंख में पूरे टीचा डाल रहा, और पेट में भी दर्द, दाढ़ा सिर में दर्द,
अच्छा और क्या, और घर में बच्चों को भी दे रहा था क्या तकलीफ? ना वो ना 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 शोहर को बच्चों ना, को भी इसको मैं गला गला के मार देने वाला था। हाँ और हाँ बोल रहा हूँ तो तक छोड़ रखी। हाँ और क्या कर रहा था ना? हाँ और गला के मार देने वाला था। अच्छा तो मारो कब बोले थे तुझे उसको? अम्मा से मारना था, पुन्ना में मारना था। हाँ दिवाली दिवाली के बड़ी अम्मा उसको बहुत बीमार करने वाला था। अच्छा मेरे पास ला लिए उसको। अच्छा मेरा मकसद पूरा नहीं कर दिए थे, कुल पैसे मिला दिए। तेरे पास लाके मेरा मकसद नाकामा भी कर दिए। अच्छा और इसी घर से किसको मारना था क्या? बच्चों को, औरत को? नहीं नहीं किसी आदमियों को? ये औरत से बदला लेना है बोल रहे, ये बोलना है। और कैसा मारने वाला है घर में से? और किसी को सुसाइड करा के या एक्सीडेंट करा के? और किसी को? ना ना इसका एक बच्चे को भी तबियत खराब है, इसको और उसके बच्चे को। उसको भी करे? हाँ कहीं में खिलाए उसको भी, इसमें पिलाए उसको भी कहीं में दावा। अच्छा वो लोग इनके दोस्त के रिश्तेदार है जिसने करे तो? उसके ससुराल के बच्चे के। अच्छा और दूसरी बात जलन से कर दी। अच्छा वो जादू करके तुझे लाए पकड़ के तो शमशान से लाए, खबरस्तान से लाए? खबरस्तान से, खबरस्तान से गली से मिलाए। अच्छा गली से मिलाए। हाँ जोर से बोल। मुसलमान का नहीं हूँ। अच्छा हिंदू का है। गली से में पकड़े तुझे? मुस्लिम मैं। कहाँ मारा था? कौन से गांव को मारा था? जादूगर ने तुझे खबरस्तान से पकड़ा, तू मर के वहां भटक रहा था क्या नाला? हाँ जल्दी बोल। मैं मिनहा खलकनकुम फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाँ बोल। अभी तक कितने इंसानों को मारा? हाँ जोर से बोल। हाँ कितने? ना बोला अभी तक नहीं मारा? ना बोलूंगा। अच्छा नहीं बोलेगा तो फिर तो तुझे अब भी जलाएंगे। जलाऊं? ना ये हटा दे मुझे, फिर दोनों भी हटा मारते ले लूंगा काट के। हाँ बोल। बोल रहा कि नहीं बोल रहा? टाइम नहीं मेरे पास। ना बोलता बे क्या मेरे पास नजदीक आ? अब इतना अब नहीं ज्यादा बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। नहीं बोला तो हमारा क्या जाने वाला, तेरे को जला के रख देते हैं। ना बोलूंगा छोड़ दे, मेरे को ना को तकलीफ दे, नहीं देता बे, अब नहीं देता बे। जो पूछा उसका जवाब दे, जो पूछा उसका जवाब दे। देता बे मैं नहीं दे, तुम बोलू ना। मार मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बोल दे। बोल रहा नहीं बोल रहा? बोल रहा नहीं बोल रहा? देखा ना यहाँ बोलना ही पड़ता है यहाँ पे। चला बयान कर। हाँ कितने बार पिलाए थे दवाई? ना अरे कितने बार? अरे वो बच्चे के रसम बेच पिलाए। नाम नहीं पूछा मैं लोगों का, बच्चे के लोग आने पिलाए। बोल जबान काट दूंगा। नहीं 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 बोल देता। चल अगली बार नाम पूछना है मुझे, चल जा। ना बोलूंगा। चल निकल अब जा, अगली बार पूछना। सुन के जा, सुन 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 जबान काट दूंगा ना। सुन फोन डाले थे यहाँ से आया था, कितने लोग थे वो सब नाम मुझे आगे बयान करना, समझ गया ना? जा हट रे, छोड़ उसको रास्ता दे जाने को यार, छोड़ के जा उसको जल्दी। जा छोड़ उसको, छोड़ निकल बाहर। ये जो मामला है तो ये क्या चल रहा है? वाने खुद ब खुद नहीं आया वो, उसको पकड़ के लाके छोड़े, और इन्होंने बहुत सारे जगह बताए उसका कहना है, मगर उन्हें सब जगह कहीं हाजिर नहीं हुआ, ध्यान हुआ वहां उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया। और यहाँ की दास्तान थी कि यहाँ अगर हाजिर नहीं हूंगा तो कहाँ हाजिर हूंगा, यहाँ अगर खुलासा नहीं हूंगा तो कहाँ खुलासा हूंगा, यहाँ अगर नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ नाम निकलेगा। यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है, और लोगों ये कलाम इलाही है,
तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजी वाली है और हा जमीन फजली रब्बी, समझ गए मेरे रब का फजल है लोगों तुम्हारे ऊपर, जो इतनी बड़ी किताब उसका खुद का कलाम। अरे उनको पानी पिला छोक रहे हो क्या? और उल्लू पट्टा उसका अच्छा उधर डाल के। हाँ दूसरी बात के ये जो मामला करे, उसने बयान किया कि वो कुछ शादी वादी का रस्म का मामला था, वहां पर उसने कोई वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर या कुछ तो भी मिलाकर पिला। अब वो जिसने भी करा उसका नाम तो इंशाल्लाह ताला आगे के राउंड में सब तफसील में बयान कराऊंगा, अभी इसलिए नहीं बयान कराया कि अभी मुनासिब नहीं है नाम निकालना, आगे निकालेंगे। और उसने ये भी बयान किया कि उनको दिवाली के अम्मास के करीब करीब कुछ उसके जबानी उसने शयन हाजिर होकर बयान की कि उनको कुछ तो भी हलाक करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, किस तरीके से बीमारी पे डाल के बिस्तर का पेवन बना के दवा गोली कार नहीं करती बिस्तर के पेवन पे जब तुम गिरा देते तो, और उसमें तुम्हारे को बीमार बीमार शरीर रहता इंसान और उसमें खत्म हो जाता। तो लोगों को क्या लगता कि भाई ऐसा ऐसा मामला था, कोई तो बीमारी में था मुब्तला बंदा और दुनिया से कूच कर गया। लेकिन ऐसे कुछ हादसा होते हैं, ऐसे कुछ खेल, अरे उनका माइक नहीं निकालता क्या छोकरे? हाँ और दूसरी बात, रुक अभी रुक रुक बेटा, उनको भी जाने का आदेश दिया क्या मैं? और दूसरी बात के जैसे भी तरीके रहते हैं इबादत लोगों को, ज्यादा से ज्यादा करो इबादत, तुम करेंगे तो कट जाता अल्लाह के हुक्म से और कट के खत्म हो जाता। और ये जो है तो मैं रात दिन देखने वाला है, मेरे को रात तुमसे ज्यादा इल्म है हर चीज का और हर बात का, ये सब जा बोलने से जाने वाला नहीं है क्योंकि अंदर अटकाए वाला है, नस नस में खून के अंदर भिग जाती दवा वो सब। तो इंशाल्लाह बताता हूँ आगे जैसा उन्होंने तरीके इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो खुद ब खुद आ गया ऑटोमेटिक उल्टी होना और ऑटोमेटिक जुलाब होकर दवा बाहर निकल जाना। वो ट्रिक होती लोगों, वो ट्रिक है ए, इसको बंद कर ही गिरेगा ये, वो ट्रिक रहती वो क्या कि किसी को कुछ खिला रहे और उसके बाद उसको उल्टी हो रही, किसी को कुछ पिला रहे दूध में दवा डाल के उसके बाद उसको उल्टी हो रही। तो भाई वो तो ट्रिक है, वो तो दवाया रहते वो तो उल्टी होने के, उसको नहीं बोलते रूहानी इलाज। रूहानी इलाज उसको बोलते कि तुमको ऑटोमेटिक उल्टी होना, ये बिस्लरी का पानी तुमने लाए, ये तुम्हारे बिस्लरी के पानी में पड़ के खाली फूक दिए और फूकने के बाद तुम अपना पानी ले जा घर को पीना, तुमको जब ऑटोमेटिक अमल के दौरान उल्टी होंगी तो वो क्या बोलते, तो रियल मायनों में रूहानी अमल है। वो तो ट्रिक बाज है यार, वो दूध में दवा डाल के पिला दे रहे, फलाने में दवा डाल के पिला रहे, दवा खाओ तुमको उल्टी होंगी। वो तो एक जड़ आती है, वो जड़ को ऐसा घसो और दूध में डाल के पिला उल्टी होती सामने वाले को, तो वो उससे थोड़ी दवा निकलती है। रूहानी इलाज थोड़ी, वो तो एक वो है क्या बोलेंगे ट्रिक, उसको नहीं मानेंगे। मानेंगे उसको कि अल्लाह का कलाम अगर मैं जोर से पढ़ूंगा और तुमको ऑटोमेटिक उल्टी होंगी और ऑटोमेटिक तुमको उल्टियां बड़ बड़ हो रहे, तो वो निकल रहा तुम्हारा बाहर और वो रूहानी ताकत से रूहानी पावर से खींचा जा रहा बाहर जो भी मामला है, बगैर टच करेंगे बगैर वो करेंगे। और पानी तुम्हारा तुम ला रहे, तुम्हारे पानी पे दम करके दे दे रहे, स्प्रे तुम्हारा तुम ला रहे, तुम्हारे स्प्रे पे दम करके मार रहे। तो देखो लोगों कैसा मौजजा है कुरान का, कैसी कलाम इलाही की ताकत है कि वो पानी पे दम करके उसको मारे तो आग लग जाती है उसको अंदर और बोलता मैं जा रहा क्यों जला रहे, तब बोल के निकल के भाग जाता। बाकी उसको रिवर्स दवा खींचती अंदर जो अटके वाली रहती, जो लोग चिमक कैसा लोहे को खींचता वैसा। और दूसरी बात वो फिर आ जाता, फिर आके मनवाना, तो इसलिए उसको फ्यूज उड़ा देना पड़ता है जो दवा है वही तुम अमला करेंगे, हम निकल के गिर जाएंगे खत्म हो जाएंगे बाहर। ऑटोमेटिक नॉर्मल जुलाब लगती है, नॉर्मल उल्टी, दवा अगर बहुत गलीज है तो वो उल्टी में नहीं निकलती, वो दवा फिर जुलाब में निकलती। और किसी किसी की तो सामने ही यही निकल जाती उल्टी में, वो तुम सबको दिख जाता लायू में। ये रहता अल्लाह के कलाम का मौजजा। बहुत सारे लोगों के मैंने खुद से वाकई यहाँ सुना, लोग आके बोलते हम वहां गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, अच्छा उल्टी हुई, अच्छा कैसा हुई? तो हमने उन्होंने हमको ऐसा पिला दिया वैसा खिला दिया उसके बाद उल्टी, बोले खाओ उसके बाद। अरे तो भाई वो ट्रीक है ना भाई, उसको थोड़ी मानेंगे रूहानी अमल। बिस्लरी का पानी उमिटिंग होती उल्टियां होते तो बिस्लरी का पानी में ग्लूकोज वो मिलाकर पिलाते अपना इलेक्ट्रॉल, तो उल्टियां ये बिस्लरी के पानी से उल्टियां बंद हो जाते, फ्रेश पानी अच्छा फिल्टर पिलाना पड़ता उसको। और यही पानी तुम दम करके फिल्टर को पिलेंगे बार बार उसको उल्टियां होते सामने, यहाँ अगर कुरान पढ़ना चालू कर दिया और उसको पानी पिलाना चालू करे अंदर अटके दवा निकल गई। तो ये अल्लाह के कलाम का मौजजा है तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे लाए वाले पानी से हम तो बगैर टच करेंगे निकाल देते तेरे। तो हमारी क्या मिसाल है वो अल्लाह के कलाम की और कलाम पढ़ने वाली जबान की मिसाल है वो, मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत राज है, बहुत सारी बातें हैं, बस मैं तुमको होशियार और सतर्क रहने के लिए ये बातें बता रहा हूँ। क्या आगा हो जाओ वो लोगों से, बाज आ जाओ कौन से जो ढूंगिया बैठे से नाल आया वो खिला दे रहे, गेमा कर दे रहे निकालने के बोल के बातें करके तुम्हारा और ज्यादा परेशान कर देते। और रही बात के लोग एक दूसरे पे से जादू टोने कर रहे, जादू टोने की हरकत कर रहे, मत करो,
इस्लाम के अंदर सख्त मना है। हाँ, मुझे बोला गया कमेटों में कुछ लोग बोल रहे थे कि बच्चियों के बारे में बोलो, हर सिमत अंधेरों का घेरा, इस्लाम की बेटी जाग जरा, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं, तुम अपने बच्चों को बेटियों को कॉलेजों को छोड़ दे रहे, और वहां पर उनके ऊपर वो लोग, वो बदमाश, वो फिरका परस्त वाले, वो कमबख्ता, वो नालायका तुम्हारे बेटियों को भटका दे रहे, और भटका के तुम्हारे से उड़ा के लेके चले जा रहे, और बाद में उनकी जिंदगी खराब करके उनको छोड़ दे रहे, ना उन्हों इधर के रह रहे, ना उधर के, ना दुनिया के, ना आखिरत के, ना अल्लाह के, ना रसूल के, कोई कुछ नहीं रहे, फिर वो बच्चियों की जिंदगी खराब कर दे रहे, बाद में उनको पता चल रहा। मैं बार बार यही कहूंगा, माँ बहन बेटियों सुनो, तुम कॉलेज जा रहे, तुम्हारी असमत, तुम्हारी इज्जत इतना बुलंद अल्लाह ने तुम्हारा को मरतबा दिए वाला है इस्लाम के अंदर। इस्लाम इज द ग्रेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बेटी को किसी ने सबसे पहले बेटी को किसी ने हक दिया और हुकूक दिया तो वो हमारे नबी, कुर्बान जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बेटी को अरबस्तान में जिंदा गाड़ दिया जाता था उस टाइम पे, आप दुनिया में तशरीफ लाए, और बेटी को कोई दूसरे देश के अंदर विच हंटिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, बहुत सारे रस्मों रिवाजों के हिसाब से बेटियों को चिताओं पर लिटा के जला दिया जाता था। मैं नामा तो नहीं लूंगा मगर मैं तुमको बता रहा, दुनिया में हर सिमत बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहा था, और हर जगह जुल्म हो रहा था, हर हर ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि उधर ही छोड़ रहा हूँ, वहां बेटियों को जिंदा गाड़ते थे तो उसके आगे बेटियों को जिंदा जला देते थे उसके मर्द के साथ में, और उससे और आगे गए तुम तो वहां पर विच हंटिंग के नाम पे बेटियों को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो उस दौर में, वो काले दौर के अंदर, वो नूर की रोशनी, वो नूर जो पूरे दुनिया में इंसाफ, अदल और इंसाफ कायम किया और सबको हुकूक दिया, वो इंसाफ अल्लाह के फजल करम से रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, और आकर तुमको ये हुकूक, ये सब इसे दर्जात बुलंद किए। मैं बयान नहीं कर सकता वो दौर के वाकयात, कितने औरत के साथ बुरा सलूक किया जाता था, रूह कांप जाएंगी तुम्हारी सुनेंगी तो। फिर देखो आज क्यों बोलते, फिर इस्लाम इज द ग्रेट, इस्लाम ने तो फिर अल्लाह के फजल करम से बेटी को कितने हुकूक दिया, क्या क्या नहीं दिया, और तुमको तो माँ बनेंगे जब तुम, तो तुम्हारे कदमों में जन्नत उठा के डाल दिया अल्लाह ने, और बोल दिया कुरान फरमा दिया, फरमा दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तुम अगर ऐसे मनमानिया करेंगे किसका क्या जाएगा, तुम दीन से भी जाएंगे दुनिया से भी जाएंगे। 4 दिन की जिंदगानी के अंदर तुम लव कर रहे, लव लव तुम नहीं कर रहे, तुमको फंसाया जा रहा लव के अंदर, वो लव तुम नहीं कर रहे, वशीकरण के अमल होते हैं, वशीकरण बोलकर कुछ अमलियात होते हैं गंदे अमलियातों में से, और वशीकरण यानी कि मोहब्बत के अमलियात, तो उसमें से वो क्या करते हैं गलीज अमलों से तुमको अपने तरफ अट्रैक्ट करते, अट्रैक्ट करके इतना कर देते कि तुम्हारे माँ से, तुम्हारे बाप से, तुम्हारे भाई से तुम्हारे बागी बना देते हैं, यानी कि अब्बा की मोहब्बत दिल में नहीं बैठती, अम्मा का बोले अल्लाह एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते, अब्बा का भी एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते, और वो जो 2 दिन का वो लौंडा पोटा जो भी तुम्हारे पीछे पड़ा और वशीकरण करके तुम्हारे को अपने वश में लिया, तो तुम उसके वास्ते इतने दीवाने हो जाते कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती उसके लव में। तो ये गेम रहते, ये सब अमलियातों के खेला है, तो वैसे अमलियातों के खेल अगर तुम्हारे बच्ची स्कूल गुजारी भाई, तो तुम उसको सूरह यासीन पढ़ा के भेजा करो, कसम खुदा की इज्जत व जलाल की, अगर तुम्हारी बेटी घर से सूरह यासीन पढ़ के जाएंगी और रिटर्न आए तक अल्लाह उसकी हिफ्ज अमान और हिफाजत की जिम्मेदारी लेता, और अल्लाह जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता ना, फिर उसको पूरी दुनिया मिलके भी गिरा नहीं सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाहे तो उसको पूरी दुनिया मिलके भी उठा नहीं सकती, समझ गए ना। इसलिए अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करो, अल्लाह के हवाले करो, और अपने बच्चों को भी अल्लाह उसके रसूल के हवाले करो, उनको दीन हदीस सिखाओ, कुरान सिखाओ, तुम उनको वो सिखा रहे क्या इंग्लिश, अच्छी बात है सिखाओ, दुनिया सिखा रहे तुम मराठी उर्दू तेलुगु इंग्लिश फला फला कौन कौन से लैंग्वेज सिखा दे रहे, अरे तो भाई तुम कुरान क्यों नहीं सिखा रहे, हदीस क्यों नहीं सिखा रहे, और सिखा के तुम छोड़ मत दो, उस पर अमल करने लगाओ, बेटे तुम अभी जा रहे तो पढ़ के जाओ, बेटा तुम आए घर में तो पढ़ के पढ़ो अभी, क्योंकि अभी पढ़ेंगे सूरत डूबने बाद तो दिन निकले तक अल्लाह हिफाजत करेगा, और सूरत निकलने के बाद पढ़ेंगे तो दिन डूबे तक अल्लाह हिफाजत करेगा तुम्हारी, और कौन है तुम्हारा सबसे बड़ी सिक्योरिटी अगर अल्लाह के हवाले करनी है हमारी हिफाजत के वास्ते, तो फिर कौन है तुम्हारे वास्ते जो जहमत दे सकेगा, तुमको तकलीफ दे सकेगा, तुम पे हमला कर सकेगा। एक वाकया सुनाऊं क्या, एक मैं एक पेपर पढ़ रहा था अभी 7-8 साल पहले की बात है, वो जब ज्यादा मोबाइलों का चलन नहीं था, पेपर पढ़ रहा था, तो मैं पेपर में क्या पढ़ा मैंने वैसे भी बाद में आ गए होंगे, उसके रील भी बन के देख सकते तुम नेट पे सर्च कर सकते। एक लड़की थी, वो लड़की कैनेडा, ये सॉरी अमेरिका या लंदन दोनों में से कोई देश की थी, मैंने पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था मैंने कि वो लड़की रेलवे स्टेशन पर रात में गई,
मुस्लिम ही थी वो रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने क्या देखी कि उसके बाद वहां पे रेलवे स्टेशन पे एक लड़का खड़े आला है, उसके थोड़े से बाल बड़े, वो एकदम कोई हूंगा नशेड़ी पिछेड़ी एक्स वाई जेड, तो अंग्रेज का ही लड़का था वो ठहरा हुआ वहां पर। तो ये लड़की ने उसको सा देखी, उन्हें उसको देख रहा और दूर ठहरा थोड़ा, लड़की उसको देखी, स्टेशन पर कोई नहीं दूसरा, ठीक है बंदा, यानी कि ट्रेन आने वाली है, तो उन्हें उसको देख रहा, उन्हें उसको देखी, ट्रेन आई, ट्रेन में उन्हें बैठी, चली गई, उन्हें वहीं ठहरा था। बाद में जब उन्हें सुबह उठी, तो सुबह में उन्हें दूसरे दिन क्या न्यूज पढ़ती है कि न्यूज में ये लिख के आता कि वहां पर एक लड़की की इस्मत अफजाई हो गई, उसकी इज्जत लूट दी और उसको मार दिया किसी ने। तो उन्हें क्या करी, पूरी न्यूज पढ़ी, तो वही लड़के की फोटो उसमें छपे वाली पेपर के अंदर, ये लड़के ने रात में इतने इतने बज के मिनट पर एक लड़की का वहां पर इज्जत लूट दिया और उसको मार दिया, ठीक है। तो वो उन्होंने इतनी कंफ्यूज हो गई देख करके, रात का ये जो टाइम बता रहे एग्जैक्ट, तो उससे 10 मिनट पहले तो मैं भी उसके साथ में वहां ठहरी थी, फिर उन्होंने मेरे साथ क्यों नहीं किया ऐसा कुछ बोलकर उन्हें उस पर रिसर्च करते करते वहां पहुंची जेल के अंदर, और जेल में जाकर उससे मिलने के लिए दरखास्त करके उससे मिली, और मिलकर उससे पूछी कि मुझे एक बात बता, वहां तूने जो दूसरी लड़की की इज्जत लूटा और उसको मार दिया, तो मुझे क्यों नहीं लूटा और मुझे क्यों नहीं मारा, मैं भी तो वहां पर अकेली थी, और मेरे 10 मिनट के बाद ट्रेन जाते तुमने दूसरी की तो उसको मार दिया, मुझे वो ट्रेन से उतरी होंगी शायद कोई। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हें कैसा मार सकता था, तुम्हारे साथ में तो 4 बॉडी गार्ड थे। तो इन्हें बोली 4 बॉडी गार्ड, मेरे साथ में 4 बॉडी गार्ड कहाँ के थे, तो बोले ऊंचे ऊंचे 7-7 फीट के थे और 4 बॉडी गार्ड थे, व्हाइट ड्रेस के अंदर ठहरे वाले थे साथ में, फिर मैं तुझ पे कैसा हमला। तो उन्हें फिर जाके सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा करी कि मेरे मालिक कसम खुदा की तूने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि मैं घर से दुआएं पढ़ के निकली थी, सूरह यासीन पढ़ के निकली थी, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे वहां महफूज कर दिया, फरिश्ते उतार दिया था चारों तरफ, उसको दिख रहे सामने वाले गुजालिम को मगर इसको नजर नहीं आ रहे, जैसा जंगे बदर के अंदर फरिश्ते उतार दिया था, वक्त आने पर कि उन्हें फरिश्तों को भेज के देता फिर मदद के लिए तुम्हारी, जब इंसानों से नहीं हो रही और नहीं जम रही फिर उन्हें फरिश्ते भेजता, और वो फरिश्तों के सामने फिर कुछ भी नहीं होना, धरती को भी जा मसल दे सकते, इतनी ताकत भी उनको दे के रखे, अली तो ये भंगरे भंगरे क्रिमिनल सा तुमको क्या जहमत दे सकेंगे। तो मेरे माँ बहन बेटियों समझो, घर से निकलते टाइम पे दुआ पढ़ो, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहो, कोई लड़के की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन तुमको हो रहा तो ऐसा हाथ लो, और ऐसा ऐसा बता रहा हूँ मैं जो बातें बताता हूँ, मैं कुछ हवाई महल नहीं बनाता हूँ, प्रैक्टिकल में जो हुआ है वो बातें बताता हूँ, ऐसा सीने पर हाथ रखो और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो, 7 बार चारों कुल 7-7 पढ़ो पढ़ो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, ये चारों सुरों को 7-7 बार पढ़ो, आयतुल कुर्सी को 7 बार पढ़ो, ऐसा पानी गिलास पे दम करो और दिल पे फूको और पी जाओ, देखो तुम्हारा वसवसा वहीं कम हो जाएगा, खत्म, खुद बहुत कम होना चालू जाता है, स्पीड में कट जाता हो, क्योंकि वो तुम पर असर करे वाला खेल रहता हो और तुम्हारे को अट्रैक्ट करके उल्लू बना के भगा के ले जाके शादियां करके तुम्हारे बाद में तुम्हारी जिंदगी खराब करके तुम्हारे छोड़ देते, ना तुम इधर के रहते ना उधर के रहते। तो मैं तुम्हारी काउंसलिंग नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई, इसलिए मुझे तुमको बताना है मेरे माँ बहन बेटियों, अल्लाह ने तुम्हारे बतन से तुम्हारे पेट से ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह को पहले तो पैगंबरों को जन्म दिया और पैगंबरों के बाद अब औलिया अल्लाह का दौर चल रहा, पैगंबरी के दरवाजे बंद हो गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इमाम महिंदी अलैहि सलाम के ऊपर वलायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, अभी इमाम महिंदी जब आएंगे जब तक तो वलायत चालू है, तो वलायत तुम्हारे बतनों से तुम्हारे पेटों से अल्लाह वो औलादे तुम अता करेंगे जो दुनिया पे जालिमों को दुनिया से मिटाकर अदल और इंसाफ का परचम गाड़ देंगे पूरी दुनिया के अंदर, जालिमों के सीनों के अंदर इंसाफ का परचम गाड़ने वाले पैदा करेगा, तो तुम उस काबिल तुम्हारी रूहानी रहेंगी तो तुम उस काबिल बच्चों को जन्म देंगे ना भाई, और बच्चे भी फिर तुम्हारे, देखो पढ़ो हिस्ट्री पता चलेगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसा नेक मकबूल बादशाह था, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कैसे नेक मकबूल बादशाह थे, बहुत सारे नेक मकबूल बादशाह मैं बयान नहीं कर सकता उनके दास्ताने ऐसे ऐसे कि सुल्तान महमूद गजनवी जब तक 125,000 बार दरूद शरीफ नहीं पढ़ते थे जब तक आप गद्दी पे नहीं बैठते थे, आज भी खबर खुली थी 1965 के अंदर, तो जैसा कि वैसा जिस्म मुबारक था ना आपका अंदर, फिर और कीड़े और मकोड़े तुम्हारे कफन को भी टच नहीं करते, फिर अल्लाह फरमाता जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, कसम खुदा की, फिर पत्थर की लकीर, और सच्ची बात है। तो तुम बनो उस काबिल, और मेरे माँ बहन बेटियां को मैं बार बार यही बोलूंगा क्या तुम समझो, शैतानी वसवसों से बचो, वो तुमको स्कूलों में कॉलेजों में झांसे डाल के गेमा डाल के तुम्हारे साथ में उसे हरकतें करके तुम्हारी जिंदगी खराब करने की सोचते, माँ तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचती, बाप तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचता, एक बार का तुम्हारी बहन बुरा सोच लेंगी, एक बार का तुम्हारा भाई बुरा सोच लेंगे, मगर माँ बाप नहीं सोचते,
क्योंकि तुम्हारे माँ बाप है वो तुम्हारी अच्छे के लिए ही सोचेंगे हर बार, और अच्छे के लिए ही समझाएंगे तुमको। जो बातें समझा रहे हैं वो जिस बातों पर अमल करो तो अमल किया करो, और इबादतों की रस्सी को मजबूती से थामा करो। मजबूती से तुम इबादत की रस्सियों को थाम लेंगे तो फिर भाई मैं क्या बोलूं, तुम दुनिया की कौन सी भी सिक्योरिटी तुम्हारे इसमें लगा दो, हिफाजत में कुछ काम की नहीं। कभी ना कभी फिर तुम पे हमला होता, कौन से दुनिया से हलाक कर दिया जाता, और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा, फिर उसके सिक्योरिटी में उसके हिफ्ज अमान में तुम चले जाएंगे, तो कसम खुदा की इज्जत और जलाल की फिर तुम कोई जहमत नहीं दे सकेगा। समझ गए? वो बार बार इसलिए बताता हूँ ये सब बातें कि मैं अगर नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। अभी तुम्हारी काउंसलिंग जो कर रहा हूँ मैं, इस पर अमल करो, तुम अमल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से तुमको उसका फैज भी मिलेगा। कुरान और हदीस तुम्हारे से ढाल है दौर में, पढ़ो और पढ़ के चलो और अल्लाह के हवाले करते चलो, तो सब जगह महफूज रखेगा, वरना किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैं बयान क्या करूँ तुम लोगों को, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से गाँव से आए थे? हाँ, नांदेड़ से, नांदेड़ पहले कितने बार हाजिर हुआ? 10 महीने से चल रहा है। बताए उसकी जगह बताए। हाँ हाजिर हुआ, नहीं सर, सवाल जवाब करा क्या कहीं? नामा बोला क्या कौन डाले सो? नहीं, यहाँ निकला ना, यहाँ बहुत सारे बात निकले भी, नाम नहीं पूछा है, नाम आगे के राउंड में पूछूंगा इंशाल्लाह। और दवा खाने दवा गोलियां करे क्या नहीं करे पहले? चालू 6 महीने से पेट में दर्द हो रहा, हाथ में, हाथ पे गाड़ी से गिरे तब से हाथ तो 6 महीने से वो गिरे। उन्हें गिराया होगा ना, थम सब ऐसा कुछ बोला उसने, उसके अंदर मिला के कुछ, ये हटा दो ना तुम्हारे बाटले नीचे ले लो, ये स्प्रे करते रहना घर में, ले जाके मुंह मार देना और उस पे एपल कुर्सी पड़ के पानी पिला देना। वो माइक उनके पास रखो, वो बात करेंगे तो सुनेगा ना भाई, हाथ में जरा कुछ कैच हाथ में करता रखूं हूँ। और दूसरी बात क्या बोलते, तो सपने क्या गिरते थे? नहीं, हवा नहीं गिरते। ठीक है, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के पानी पे दम करके ज्यादा से ज्यादा पीते जाओ, और नमाज पढ़ते वक्त ऐसा पैर में पैर आ जाते, घबराहट ऊपर होती और रात में नींद नहीं आती। नमाज वाला पूनम को तो बहुत पैर में, हाथ में, सिर में टीचा हो रहे, गर्दन पीठ में टीचा हो रहे, रात तमाम नींद नहीं दवा आती। गोलियां कब से कर रहे हैं? वो टेस्ट वो करे डॉक्टर ने, थायराइड का, शुगर का करे तो सब नींद निकला। फिर अभी हाथ का चालू है, पेट की, पेट में दर्द हो रहा, बच्चेदान पे सूजा नहीं बोली डॉक्टर ने, वो गोली चालू है बस। ये ऐसे बदमाशा करते बलाएं, पहले इधर भटकाते फिर उधर भटकाते, बहुत परेशान करते हो। एक हाँ, बीमारी तुम को कैच करी कि तुम समझते बीमारी है, जाके तुम इलाज करने को जाते फिर वो हट जाती, फिर दूसरी लगती वो नहीं आती रिकॉर्ड में, फिर दूसरी करने की वो हट जाती, फिर तीसरी आती है, ऐसे सभी खेल चलते। क्योंकि मेडिकल साइंस भी इतना आगे बढ़ने वाला है कि तुम्हारा कौन सी भी बीमारी रहेंगी गोली दे देंगे राइट हो जाएंगे थोड़ी देर में। भाई बार बार गोलियां खाने से राइट नहीं हो रहा, बार बार गोलियां खाने से राइट नहीं हो रहा तो क्या मतलब फिर इसका? और दूसरी एक बात के रूहानियत के जो वार रहते हैं उस पर दवा गोली कार नहीं करती, जिस्म पे असर जाहिर होते, रूहानियत पे वार चलते। और एक बात, दवा गोली जिस्म पे काम करती, रूहानियत की दवा गोली नहीं बनी ना अभी, वो आगे बनेंगी। मैं आज से 200 साल पीछे जाके अगर बोलता था भाई इसके खून में क्या बोलते, तो इतने लेवल पे कोलेस्ट्रॉल दौड़ रहा है, इसके खून के अंदर इतने लेवल पर ये दौड़ रहा है, इतने लेवल पर वो दौड़ रहा है, वो लोग बोलते थे क्या सटिया गए क्या, कुछ भी बात कर रहे, क्या रहता है कोलेस्ट्रॉल और खून के अंदर कैसे दौड़ेगा और खून के अंदर गया कैसा वो, ऐसे उल्टे सवाल करते। जब उसके नापने की मशीन बने टेस्टिंग के तो पता चला ना एवरीथिंग, हर चीज रहती। तो वैसे ही जब रूहानी को नापने वाली और भापने वाली मशीन बनेगी, बीपी टेस्ट मशीन, शुगर टेस्ट मशीन और स्कैनर, मैं एक से एक अब बयान नहीं कर सकता मैं, इतने मशीन आ सब, तो वैसे ही जब उसकी भी मशीन बनेगी तो तुमको पता चलेगा कितने लेवल पे जादू टोना है, कितने लेवल पे शैतान है। तो वो वहां तक अभी साइंस पहुंचा है ना, अभी पहुंचते पहुंचते पहुंचेगा, क्या पता वहां तक पहुंचे पहुंचे तक दुनिया से एंड हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया भी बन करीब कयामत का दौर चल रहा है ना भाई, बोले वाला है ना, हर धर्म की किताब में बोले वाला है, अंतिम दौर आने वाला है, कयामत आने वाली है, और कयामत आ जाएंगी तो फिर सब हलाक और सब फिर खत्म, फिर फना फिल्ला। अब साइंस कयामत तक आए तक टाइम है साइंस को, जब तक जदीद टेक्नोलॉजी बोलेंगे उसको, साइंस बोले तो कोई धर्म नहीं है, और साइंस बोले तो कोई डॉक्टरों की एक कमेटी भी नहीं है, वो खोज है, खोज रिसर्च। तुम्हारा वहां तक जब रिसर्च पहुंचेगा तो फिर तुमको पता चलेगा, जैसा पता है ना अभी 100 साल पीछे अगर मैं बोलता तो मशीना बनते का, तो अब मैं बोलूंगा हाँ कोलेस्ट्रॉल दौड़ रहा, तो लोग बोलेंगे हाँ राइट दौड़ रहा, हाँ यहाँ रिपोर्ट में भी दिख रहा, पहले मैं बोलता था तो लोग मानते थे,
कुछ भी बोल रहे बोलते थे राजा महाराजाओं का मान, जब नहीं था ना, जब बना तो पता चला ना, तो ऐसा था। खैर, अब अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बातें बोला लोगों उस पर तुम्हारी बेटियों को अमल करने लगाओ तो महफूज रहेंगे। अल्लाह हिफ्ज़ अमान में रखे अपने सब मुसलमानों को, उम्मत मुहम्मदिया को, और अल्लाह के तमाम नेक सालहीन बंदों को। और क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मैं सबको बोलता हूँ कि तुम सब लोग कुरान पढ़ सकते हो, उसका फैज हासिल कर सकते। कुरान हम कुछ नहीं मिला और ना हमारे वास्ते उतरे, अल्लाह सबके वास्ते उतरे। अल्लाह क्या पता तुम उसके पढ़ने की बरकत से तुम्हारे ऊपर का जादू टोने बला बतराए वबाएं सब हट जाएंगे, बीमारियां भी हट जाएंगे, और क्या पता उसके पढ़ने से अल्लाह तुमको दीन और दुनिया की दौलतों से भी नवाज देगा। पढ़ो तो तुमको उसका फैज हासिल होगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोक दो।